हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। तो हमने कल क्या गुड पढ़ा मॉर्निंग था? सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सुनिए, अब कल हमने गुड पढ़ मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। तो हमने पढ़ा था बफर क्या होता है, और एक पढ़ी थी ड्रग अमोनिया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग अमोनिया सल्फेट। कौन सी पढ़ी थी बताओ? पढ़ भी रहे हो या नहीं, ऐसे ही सुन रहे हो? यस सर। बताओ क्या क्या यस पढ़ा सर। था, बताओ, बोलो। सर आपने बफर करा दिया था, बफर एसिडिक और बेसिक बफर दो टाइप के होते हैं सर। वेरी गुड। और सर और इसकी रिएक्शन बताई थी आपने दोनों को सर। उसके और बाद सर आपने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग अमोनियम हाइड्रोक्साइड, उसका यस केमिकल नेम बताया था, इसका मोलर वेट बताया था, इसका सिनोनिम्स बताया था सर। आपने आईपी स्टैंडर्ड्स बताया था, ठीक। इक्वेशन बताया था, फिजिकल प्रॉपर्टीज, कलर कैसा होता है, इसका ऑर्डर कैसा होता है, कलर लेस होता है, पंगेंट होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज जो थी में बताइए सर आपने, और टेस्ट फॉर प्योरिटी, इसका प्योर कैसे करें, कैसे इसके बारे में जाने कि ये शुद्ध है नहीं है, और इसको स्टोरेज इसको कहाँ पे रखना है कहाँ पे नहीं, ये वेरी बताया था सर गुड, आपने। और इसको यूजेस बताए थे, इसका कहाँ पे यूज होता है, लाइब्रेटरी में होता है, और सोल्यूशन ऑफ एमिनो एल्यूट सोल्यूशन होता है सर। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालिए HCl। अपना सिलेबस देखिए, उसमें है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। गुड मॉर्निंग सिलेबस सर। कैसे गुड मॉर्निंग, हो सर। बढ़िया है, बढ़िया। लिखिए HCl, सभी अपना माइक ऑफ कर लीजिए सर और एक लिखिए। रिक्वेस्ट है सर आपसे, सर बाद में नोट सेंड कर देना, कहीं पे ऐसा होता है सर आवाज नहीं आती है तो नोट्स गलत हो ठीक जाते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं नोट सेंड कर दूंगा। हाँ जी सर, अब मैं नोट्स स्पेशली इसलिए नहीं भेज रहा हूँ ना, नहीं मैं नोट्स भेज देता हूँ तो आधे बच्चे लिखते ही नहीं है ना। सर, मैं कुछ बच्चे तो नोट्स प्रीपेयर कर मैं लेते हैं सर, उनके लिए भेजूँगा, तो भेज लेकिन देता मैं हूँ। सभी से पूछूँगा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, जी ठीक है, जी ठीक है सर, इसलिए सभी ध्यान ठीक है रखिएगा। सर। और लिखिए हेडिंग, लिखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। इसमें लिखिए केमिकल फॉर्मूला, इसका केमिकल फॉर्मूला लिखिए HCl। हेडिंग है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, केमिकल फॉर्मूला है HCl। क्या बोलते हैं हम इसे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक फॉर्म। एसिड। फॉर्म क्या क्या बोल रहे हो? चलो लिखिए आगे मॉलिक्यूलर वेट। अब आगे लिखिए इसका मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 36.46 ग्राम पर मोल। 36.46 ग्राम पर मोल। आवाज़ आ रही है ना सभी को मेरी? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट लिखिए इसका 36.46 ग्राम पर मोल। इजी है, समझ आ रहा है ना सबको? ये इतना भारी नहीं है, बस ड्रग्स हैं यस आपको सर। सब चीज़ समझ नहीं है, ठीक है। ओके आगे लिखिए हेडिंग स्टैंडर्ड्स, आईपी स्टैंडर्ड्स, अली स्टैंडर्ड भी लिख सकते हैं। इसमें लिखिए इट कंटेन्स नॉट लेस देन, इट कंटेन्स नॉट लेस देन, इट कंटेन्स नॉट लेस देन 35%। जब हम इसको स्टैंडर्ड तैयार करेंगे तो हम क्या करेंगे, 35% से कम नहीं लेंगे और 38% से ज़्यादा नहीं लेंगे HCl, जब हम इसको स्टैंडर्ड तैयार करेंगे इसका जो वॉल्यूम होते हैं। तो लिखिए इट कंटेन्स नॉट लेस देन 35% वेट बाय वेट एंड नॉट मोर देन, एंड नॉट मोर देन 38% वेट बाय वेट ऑफ HCl एंड नॉट मोर देन 38% वेट बाय वेट ऑफ HCl। लिख लिया सबने स्टैंडर्ड? यस सर। यस ठीक है, सर। ठीक है। आगे लिखिए प्रिपरेशन, कैसे प्रिपेयर करेंगे हम इसको। तो लिखिए अ कैलकुलेटेड क्वांटिटी ऑफ, अ कैलकुलेटेड क्वांटिटी ऑफ अ कैलकुलेटेड क्वांटिटी ऑफ कॉमन साल्ट अ कैलकुलेटेड क्वांटिटी ऑफ कॉमन साल्ट
एंड कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड SulphuricIC सल्फ्यूरिक एसिड आर हीटेड इन कास्ट आयरन आयरन पैन पता है आयरन पैन क्या होता है किसी को बताओ हेमंत पता है आयरन पैन आयरन पैन सर आयरन का वो बर्तन सा टाइप हाँ जैसे बर्तन से होते हैं जिसको हम हिंदी भाषा में हांडी से बोलते हैं जैसे जिसको हम कोटिंग जैसे टैबलेट होती है ना हमारी जब उस पे ऊपर परत चढ़ाते हैं जिसको कोटिंग बोलते हैं ठीक है तो लोहे की होती है ऐसे हांडी की तरह होती है गोल गोल से ठीक है उसको बोलते हैं आयरन पैन इन साल्ट आर हीटेड इन कास्ट आयरन पैन इन साल्ट केक फर्नेस केक की परत की तरह जम जाएगा एक जो साल्ट होता है ना इसके अंदर केक फर्नेस FURNACE फर्नेस लिख लिया सबने केक फर्नेस तक सर बुक में दिखा दो कैसा है इसमें दे रखा है मैं आपको समझा रहा हूँ ना इसमें नहीं दे रखा है इसमें सिर्फ लिख रखा है डाल के देखना आप जैसे कोटिंग पैन डालोगे ना उसमें एक पैन आ जाएगा तो उस तरीके से होता है तो जब हम इसके अंदर डालेंगे साल्ट का तो एक केक की तरह वो हो जाता है जम जाता है ठीक है जैसे केक होता है ना हमारा पूरा बना हुआ इस तरीके से जो साल्ट होता है वो फर्नेस हो जाता है ठीक है सांचा सही बोल रहे हो केक फर्नेस फुल स्टॉप द हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस goes down with water spray लिख ले सबने अब इसमें रिएक्शन लिखेंगे NaCl plus H2SO4 सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट तो करो इसको अलग अलग करो गिव्स क्या हो गया NaHSO4 प्लस HCl क्या हो गया इसमें अलग हो गया NaCl देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ये दिख रहा है आप लोगों को NaCl प्लस H2SO4 गिव्स NaHSO4 प्लस HCl भैया ऐसे ही चल रहा है आप लिख लो मैं आपको लिखवा देता हूँ ठीक है मैं भेज दूँगा नोट्स भेज दूँगा आपको ठीक है NaCl प्लस H2SO4 गिव्स NaHSO4 प्लस HCl क्या हो रहा है NaCl प्लस H2SO4 इसको क्या किया हमने अलग कर दिया क्या बनाना है हमको HCl अलग करना है इसमें से तो क्या हो जाएगा Na ले लिया हमने सोडियम क्लोराइड से और SO4 ले लिया हमने हाइड्रोजन सल्फेट से तो क्या हो गया NaHSO4 प्लस HCl इसमें क्या है दो है हमारे पास H हैं H2 तो एक तो आ गया HS4 में एक आ गया HCl में ठीक है इसमें एक और लिखो एग्जांपल NaHSO4 प्लस NaCl गिव्स का मतलब एरो ठीक है उसके आगे क्या बन जाएगा ये Na2SO4 प्लस HCl
लिख लिया सबने? दोबारा बोलूं? सर एक बार और रिपीट करो। दोनों रिएक्शन बोल रहा हूं मैं, ठीक है सुन लेना। NaCl plus H2SO4, NaCl plus H2SO4 gives, मतलब एरो, ये क्या बन जाएगा? NaHSO4 plus HCl, ठीक है। और सेकंड वाला है NaHSO4 plus NaCl, तो gives ये क्या बन जाएगा? Na2SO4 plus HCl, ठीक है। लिख लिया सबने? गुड मॉर्निंग। अब आगे लिखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज। हेलो हेलो, हाँ बोलो रोहित। सर इसका नाम क्या है? ये NaHSO4 और ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। NaHSO4 है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और NaCl है आपका सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो क्या बन गया है? ये सोडियम सल्फेट बन गया है प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। लिख सकते हो आप इन सब के नेम भी। लिख लिया है रोहित? नेम लिख लेना, ठीक है, पूछ लिया करो जो नहीं पता चलता, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में लिखिए कलर, लिखिए कलर है कलरलेस। ऑर्डर लिखिए ओ डी ओ यू आर, ऑर्डर का मतलब गंध। ऑर्डर में लिखिए गंध कैसी है इसकी? स्मेल पंजेंट, पी यू एन जी ई एन टी, पंजेंट। लिख लिया? फिर नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज में नेक्स्ट लाइन से लिखिए इट इज़ अ क्लियर। कैसे होते हैं ये? क्लियर होते हैं वाटर की तरह। एच सी एल कैसा होता है? देखा है ना, वाटर की तरह होता है। लिखिए इट इज़ क्लियर। थर्ड पॉइंट कलर कलरलेस हो गया, ऑर्डर पंजेंट हो गया, थर्ड पॉइंट इट इज़ अ क्लियर, ठीक है। बस इतना ही लिखो आप, ठीक है। उसके बाद लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज लिखिए फर्स्ट पॉइंट केमिकल प्रॉपर्टीज में, इट इज डिसोशिएटेड इनटू, इसको डिसोशिएट करेंगे हम हाइड्रोजन के साथ और क्लोराइड के साथ 1500 डिग्री सेल्सियस पे। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, इट इज डिसोशिएटेड इनटू हाइड्रोजन, इट इज डिसोशिएटेड डी आई डबल एस ओ सी आई ए टी ई डी, इट इज डिसोशिएटेड इनटू हाइड्रोजन एंड क्लोराइड एट 1500 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। इसमें रिएक्शन लिखिए 2HCl gives, क्या हो रहा है इसमें? अलग कर दिया, H2 अलग हो गया प्लस Cl2 अलग हो गया। 2HCl gives एरो H2 प्लस Cl2, ठीक है, अलग हो गया दोनों, 2HCl को अलग कर दिया। दो हाइड्रोजन हो गए, दो क्या हो गए? क्लोराइड, ठीक है। लिख लिया सबने? ठीक है। सेकंड लिखिए केमिकल प्रॉपर्टीज में सेकंड पॉइंट, इट फॉर्म्स एफ ओ आर एम एस, इट फॉर्म्स डेंस, इट फॉर्म्स डेंस वाइट फ्यूम्स विद अमोनिया। जब इसको फॉर्म करेंगे हम अमोनिया के साथ तो क्या निकलेगी इसमें से? वाइट फ्यूम्स निकलेगी, ठीक है। इट फॉर्म्स डेंस वाइट फ्यूम्स विद अमोनिया। इसके आगे रिएक्शन लिखिए, नीचे इसके रिएक्शन लिखिए NH3 अमोनिया प्लस HCl। अमोनिया के साथ HCl को रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? NH4Cl। NH3 plus HCl gives क्या बन गया? NH4Cl, ठीक है। समझ आ रहा है? लिख रहे हो? पूछ लेना भाई, नहीं समझ आएगा तो, ठीक है, सभी नहीं पता चल रहा है कुछ भी पूछ सकते हो। इसका रिएक्शन है NH3, सुनो बोल तो रहा हूँ मैं, लिखो तो। NH3 plus HCl, NH3 है अमोनिया प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
तो क्या बन गया ये गिव्स एरो NH4Cl, NH4Cl लिख लिया। अब आगे आगे हेडिंग लिखिए टेस्ट फॉर आइडेंटिटी। लिखिए इसमें टेस्ट फॉर आइडेंटिटी की जगह वो करो प्योरिटी, टेस्ट फॉर प्योरिटी, ठीक है, टेस्ट फॉर प्योरिटी कर दो इसको, ठीक है। टेस्ट फॉर प्योरिटी कर दिया। इसकी प्योरिटी कैसे चेक करेंगे हम? फर्स्ट करेंगे आर्सेनिक टेस्ट, लेड, क्लोराइड, इसमें लिखे टेस्ट फॉर प्योरिटी में टेस्ट फॉर, ये क्या कर रहे हो मोहम्मद, लिखिए टेस्ट फॉर प्योरिटी में लिखिए सबसे फर्स्ट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, ARSENIC, टेस्ट फॉर आर्सेनिक कोमा लेड, LEAD लेड कोमा ब्रोमाइड, BROMIDE, लिख लिया सबने, एंड आयोडाइड IODIDE। तो ये टेस्ट हम इसकी प्योरिटी चेक करेंगे, ठीक है, आर्सेनिक, लेड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, ठीक है, लिख लिया सबने। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, क्या क्या हो गया हमारा, स्टोरेज लिख लीजिए, स्टोरेज स्टोरेज लिख लीजिए। इट इज़ स्टोर्ड इन ग्लास स्टॉपर्ड, GLASS ग्लास स्टॉपर्ड, STOPPERED ग्लास स्टॉपर्ड, कंटेन्स बिलो CONTAINS कंटेन्स बिलो 30 डिग्री सेल्सियस। कैसे उसमें रखेंगे हम इसको, जो ग्लास का स्टॉपर होगा जो कि कांच का होगा ऊपर से बंद होगा पूरा, ठीक है, उसके अंदर हम रखेंगे इसको, और कितना होना चाहिए वो 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ठीक है सर। अब लिखेंगे हम इसके यूजेस, जो मेन है वही लिख रहे हैं, लिखने का तो हम बहुत कुछ लिख सकते हैं लेकिन हम इतना नहीं लिखेंगे, ठीक है, जो पूछा जाता है एग्ज़ाम में जितना लिखना होता है 5 मार्क्स के हिसाब से या 10 के, तो उस हिसाब से हम कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे लिखिए यूजेस, बताओ किस में यूज़ होता है HCl, पता है किसी को, किया होगा आपने 12th में केमिस्ट्री पढ़ी होगी, HCl यूज़ किया होगा लेबोरेटरी में, किया होगा कुछ एक्सपेरिमेंट, किया किसी ने HCl का यूज़? सर हाइड्रोक्लोराइड, यस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लिखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड एन एसिडिफाइंग एजेंट, एसिडिफाइंग एजेंट्स में यूज होते हैं ये, एसिडिटी वगैरह हो जाती है उसमें यूज होता है, ठीक है, यूज्ड एज एन एसिडिफाइंग एजेंट, लिख लिया सर, रिपीट कर दो एक बार, यस, HCl इज यूज्ड एज एन एसिडिफाइंग एजेंट, ACIDIFYING, एसिडिफाइंग एजेंट, ठीक है। एंड सेकंड यूज लिखो, इट इज यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल एड, मतलब फार्मा के उसमें यूज होता है, ठीक है, इट इज यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल एड्स, इट इज यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल एड, फार्मास्यूटिकल की स्पेलिंग PHARMACEUTICAL, फार्मास्यूटिकल एड, AID, ठीक है, लिख लिया सबने, ये हो गया आपका HCl। अब आपका सिलेबस में बताओ मेरे को कौन कौन से ड्रग रहेगा इसमें, फर्स्ट वाले में
देख के बताओ एक, देखो बच्चा सिलेबस देखो, बताओ हेमंत रोहित सत्यम कोई भी बताओ सिलेबस। अभी बता रहे हैं सर, सिलेबस ही नहीं निकाल के रखते हो। देखो आपके पास सिलेबस है, ए एसिड हो गया आपका, बेस हो गया सर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड रहेगा सर, बाकी ऑफिशियल बफर्स रहेंगे। ठीक है ठीक है, बाकी आपका हो गया है तो ये आपको पता चल गया कैसे करना है। ठीक है जी सर, तो एक आप खुद करोगे, एक मैं आपको और करा देता हूँ, एक आपको खुद करके मुझे दिखाना है, सबको मुझे भेजना है, सब मेरे को पर्सनल भेजेंगे करके आपने कैसे किया है। ठीक है, एक ड्रग आप मेरे को करके दिखाओगे कोई भी, इसमें से बताओ कौन सी करोगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड रह गई है, ठीक है जी। तो बताओ कौन सी करोगे आप, सभी कर लोगे? है कोई ऐसा जिसको समझ ना आ रहा हो या नहीं कर सकता हो? कोई भी सभी कर लेंगे सर, देखते हैं कैसे करते हो। सर कल दिखानी है, अगले अगले क्लास में दिखानी हाँ है, मेरी नेक्स्ट क्लास में, परसों है ना मेरी क्लास। चलो मैं आपको ये करा देता हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड करा देता हूँ, ठीक है। आपको कौन, आपको करनी है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इजी है बिल्कुल, कुछ नहीं है। ठीक है, नहीं कर पाए तो बता देना, मैं नोट्स भेज दूंगा उसका भी, या सब बता दूंगा, मैं ही करा दूंगा, लेकिन आपको खुद करके देखना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। तो लिखो नेक्स्ट हेडिंग, लिखो सोडियम, नहीं सोडियम नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लिखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बताओ इसका फॉर्मूला कौन बताएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का? CaOH covered twice. वेरी गुड, यही है CaOH का होल ट्वाइस। आधे बच्चों को जैसे समझ नहीं आता है ना कैसे लिखना है, तो सिंपली में लिख ले करो, पूछ ले करो, ठीक है। CA ब्रैकेट में लिख लो OH और उसका होल ट्वाइस, ठीक है। आगे लिखिए इसका मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट लिखिए 74.09 ग्राम पर मोल, 74.09 ग्राम पर मोल लिख लिया सभी ने? यस सर। ठीक है yes, इसका सिनोनिम भी लिख लो आप, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, सिनोनिम SYNONYM सिनोनिम इसको हम बोलते हैं, और स्लेक्ड लाइम SLAKED स्लेक्ड लाइम कोमा हाइड्रेटेड लाइम, ठीक है, कोमा हाइड्रेटेड लाइम HYDRATED हाइड्रेटेड लाइम, ठीक है, और दो नाम हो रहे हैं इसके। अगर ये किसी भी नाम से आ जाता है इन तीनों में से, तो आपको घबराना नहीं है कि ये क्या आ गया, तो सिंपली समझ लेना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, स्लेक्ड SLAKED स्लेक्ड लाइम LIME स्लेक्ड लाइम, और सेकंड है हाइड्रेटेड लाइम HYDRATED हाइड्रेटेड लाइम, ठीक है। अब आगे लिखिए इसका प्रिपरेशन, चलो लिखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंटेन्स नॉट लेस देन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंटेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंटेन नॉट लेस देन 90% ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जिस बच्चे को बुक वगैरह चाहिए ना, जिसकी फीस जमा है 20,000 से अबव, तो वो आके बुक इशू करा सकता है लाइब्रेरी से, ठीक है, उससे आपको और आसानी हो सकती है, ठीक है, पढ़ने में बुक ले सकते हो कॉलेज से आके लाइब्रेरी से, ठीक है, खुली है लाइब्रेरी। अपना सभी से पूछ के टीचर से कौन से ऑथर की बुक लेनी है या कौन सी अच्छी होती है, तो आप ले सकते हो, ठीक है,
लिखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंटेन नॉट लेस देन 90% ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, 90% ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स, 90% इसमें क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है लिखिए फुल स्टॉप। इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय, इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय, इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय स्प्रेइंग SPRAYING स्प्रेइंग वाटर, इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय स्प्रेइंग वाटर इनटू क्विक लाइम, इनटू क्विक QUIC की क्विक लाइम LIME क्विक लाइम, which is itself is prepared by, which is itself is prepared by, prepared by heating limestone, ठीक है लिख लिया heating limestone, फुल स्टॉप। द लंप ऑफ क्विक लाइम LUMP, द लंप ऑफ क्विक लाइम ब्रेक इंटू पाउडर, ब्रेक BREAK ब्रेक इंटू पाउडर and heat is evolved, full stop। This process is known as slaking। ये जो होता है ना द लंप ऑफ क्विक लाइम, ये क्या है हाइड्रोक्साइड का ही पार्ट्स है, ठीक है सब। This process is known as slaking, SLAKING slaking, स्लेकिंग का मतलब वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है कुछ भी लिख सकते हो आप। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे स्लेकिंग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसमें रिएक्शन लिखिए, रिएक्शन लिखिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 इरिवर्सिबल, कैल्शियम कार्बोनेट के आगे साइन आएगा इरिवर्सिबल के दोनों साइड एरो, ठीक है इधर से भी और इधर से भी, इरिवर्सिबल CaO प्लस CO2 क्या बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, CaO प्लस CO2। अब किसके साथ करेंगे हम इसको, नेक्स्ट रिएक्शन है इसके अगली नेक्स्ट लाइन से H2O के साथ, तो लिखो CaO प्लस H2O, तो ये क्या बन गया CaO प्लस H2O, ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है लिख लिया सबने? यस सर। नहीं लिखा तो बताओ मैं दोबारा रिपीट करूं। यस सर। हो गया। अब नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लाइन से वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द, water is absorbed by, water is absorbed by the oxide with the evolution of, water is absorbed by the oxide with the evolution of excess, with the evolution of excess 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 of it, लिख लिया सर evolution of excess of it, of it. अब
नेक्स्ट लिख को इसी में ही लिखना है, मतलब नेक्स्ट लाइन से स्वेलिंग ऑफ, स्वेलिंग एस डब्ल्यू ए डबल एल आई एन जी, स्वेलिंग ऑफ सी ए ओ, सी ए ओ लंप एल यू, स्वेलिंग ऑफ सी ए ओ कैल्शियम ऑक्साइड लंप एल यू एम पी लंप, जो सी ए ओ लंप होगा उसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा, ठीक है। एंड फाइनली, एंड फाइनली, एंड फाइनली डिसइंटीग्रेशन, एंड फाइनली डिसइंटीग्रेशन इंटू, एंड लास्ट में फाइनली में क्या होगा, जो हमारा फाइन पाउडर होगा वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, ठीक है, टूट जाएंगे अलग अलग जगह पे। डिसइंटीग्रेशन इंटू फाइन पाउडर टेक प्लेस, एंड फाइनली डिसइंटीग्रेशन इंटू फाइन पाउडर टेक प्लेस, लिख लिया सबने? नेक्स्ट लिखिए इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, हेडिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसमें लिखिए कैसा होता है ये, क्रिस्टल एंड सॉफ्ट होता है ये, ठीक है। तो इसमें लिखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अकर्स एज, फर्स्ट पॉइंट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सी ए ओ एच का होल ट्वाइस अकर्स एज क्रिस्टल एंड सॉफ्ट, कैसा होता है ये, क्रिस्टल में भी होता है और सॉफ्ट में भी होते हैं ये, ठीक है। सॉफ्ट होता है मतलब बहुत पाउडर होता है इसका, सॉफ्ट होता है, ठीक है। जैसे आपने वो देखा होगा ना, जो ये डालते हैं आप नाइसिल वगैरह पाउडर, बहुत सॉफ्ट होता है ना हाथ में पड़ के ऐसे, बिल्कुल डस्टिंग पाउडर वगैरह तो हार्ड होते हैं, तो उस तरीके से होता है। सेकंड लिखिए ऑर्डर, लिखिए इसका ऑर्डरलेस, ऑर्डर ऑर्डरलेस टेस्ट, हाँ हाँ ये हेडिंग में लिख लीजिए ऑर्डर का ऑर्डरलेस, गंध कैसी होगी इसकी, गंधहीन होगी, ऑर्डरलेस टेस्ट लिखिए, टेस्ट होता है इसका बीटर एल्कलाइन, बीटर एल्कलाइन, क्षारीय कड़वा, बीटर एल्कलाइन टेस्ट लिख लिया। अब लिखिए केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज हेडिंग, इसमें लिखेंगे हम बिल्कुल सिंपल से लिखते हैं, चलो केमिकल प्रॉपर्टी लिखिए फर्स्ट इसमें, ऑन हीटिंग लूजेज वाटर, ऑन हीटिंग लूजेज वाटर एल डबल ओ एस ई एस, लूजेज वाटर एंड फॉर्म्स कैल्शियम ऑक्साइड, ऑन हीटिंग loses water and forms calcium oxide. तो क्या करेंगे हम, calcium oxide को क्या बनाएंगे, लिखिए इसमें reaction लिखिए आप, CaOH का whole twice, तो इसको क्या बनाएंगे, calcium oxide, तो इसको क्या लिखेंगे, gives CaO plus H2O, अलग कर देंगे इसको, ठीक है। CaOH का होल ट्वाइस गिव्स CaO प्लस H2O, तो ये क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड, नीचे ब्रैकेट में आप लिख भी सकते हो CaO प्लस H2O के आगे कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। लिख लिया ना, इजी सी है, बिल्कुल याद हो जाना चाहिए तो सिंपल सी केमिकल, वरना बहुत बड़ी बड़ी भी हैं, देखो आप खोल के, मैं आपको बिल्कुल सिंपल सिंपल से लिखवा रहा हूँ, ठीक है, जो कि आपको ईजिली याद हो जाए, ठीक है। अब सेकंड लिखो इसमें, सेकंड पॉइंट लिखो, ऑन रिएक्शन विद इनऑर्गेनिक एसिड,
ऑन रिएक्शन विद इनऑर्गेनिक एसिड कोमा इट फॉर्म्स सॉल्ट्स कोमा इट फॉर्म सॉल्ट्स। जब उनको रिएक्शन करेंगे इनऑर्गेनिक एसिड के साथ तो क्या हमें सॉल्ट फॉर्म होगा, तो रिएक्शन क्या बनेगी लिखिए, कैल्शियम मतलब वही सी ए ओ एच का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2HCl प्लस 2HCl लिख लिया सी ए ओ एच का होल ट्वाइस प्लस 2HCl तो ये क्या बन जाएगा गिव्स सी ए सी एल टू कैल्शियम क्लोराइड प्लस 2H2O गिव सी ए सी एल टू प्लस 2H2O ठीक है। लिख लिया है दोबारा बोलूं रिएक्शन सी ए ओ एच का होल ट्वाइस प्लस 2HCl ये होगी हमारी रिएक्शन। तो इसको हम क्या करेंगे फॉर्म करेंगे, जब सॉल्ट फॉर्म हो रहा है तो क्या बन जाएगा गिव्स सी ए सी एल टू प्लस 2H2O ठीक है। लिख लिया सबने सर ठीक है आगे लिखो। इसमें एक और लिखो थर्ड पॉइंट लिखो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड इन वाटर व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड हाँ इसी में ही है थर्ड पॉइंट दो होंगी ना रिएक्शन। अब तीसरी लिखो इन दोनों इकट्ठे करते हैं तीसरी लिखो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड इन वाटर इसी में आएगा ये केमिकल प्रॉपर्टीज में थर्ड पॉइंट ठीक है अलग नहीं लिखना है इसी में लिखना है। When carbon dioxide is passed in water, लिख लिया comma, it forms carbonic acid. It forms carbonic acid. Full stop. This carbonic acid. Full stop. This carbonic acid. Reacts with lime water. Reacts with lime water. Water के आगे bracket में लिखो CaOH का whole twice. ठीक है? दोबारा बोलना चाहिए network. कहाँ से? कहाँ से बोलूँ दोबारा बताओ? सर शुरू से ही बोलना. When carbon dioxide is passed in water, comma, it forms carbonic acid. Full stop. This carbonic acid reacts with lime water. Lime water के आगे formula लिख लो calcium hydroxide का Ca. ओ एच का होल ट्वाइस ब्रैकेट क्लोज टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट उसके आगे ब्रैकेट क्लोज के टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे उसमें से वाटर के साथ तो क्या फॉर्म करेगा वो कार्बनिक एसिड, तो जो कार्बनिक एसिड होगा उसको रिएक्ट करवाएंगे हम लाइम वाटर के साथ ठीक है, तो वो क्या फॉर्म करेगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें रिएक्शन लिखिए पहला नीचे रिएक्शन लिखिए H2O प्लस CO2 H2O प्लस CO2 तो क्या बन गया ये गिव्स हाइड्रोजन कार्बोनेट H2CO3 H2O प्लस CO2 गिव्स H2CO3 ठीक है। और इसके आगे नीचे एक और रिएक्शन लिखिए फॉर्मूला लिख दे वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2CO3 जो बना है हमारा ये जो बना है ठीक है, तो ये लिखेंगे सी ए ओ एच का होल ट्वाइस प्लस एच टू सी ओ थ्री गिव्स ये क्या बन जाएगा सी ए सी ओ थ्री
ये बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस 2H2O, तो ये क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट। लिख लिया सबने? ठीक है ठीक है, सेकंड वाला लिख लीजिए, CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2CO3, तो ये क्या बन जाएगा, गिव्स लिखिए CaCO3 प्लस 2H2O, कैल्शियम कार्बोनेट ये बन गया है। ठीक है, जो लास्ट हमारे पास बचा है वो क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, आगे लिखिए स्टोरेज, स्टोरेज लिखिए, इट इज स्टोर्ड इन, हाँ हाँ ये हेडिंग में लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग नेक्स्ट वो है स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब होता है हम इसको कैसी जगह पे रखते हैं, स्टोरेज, इट इज स्टोर्ड इन, स्टोरेज में लिखिए, इट इज स्टोर्ड इन, इट इज स्टोर्ड इन एयर टाइट, एयर टाइट वेल क्लोज्ड कंटेनर्स, मतलब ऐसे कंटेनर में रखना है जिसमें हवा भी नहीं घुस सके। ठीक है, एयर टाइट वेल क्लोज्ड कंटेनर्स, ठीक है, इट इज स्टोर्ड इन एयर टाइट वेल फील्ड कंटेनर्स। ठीक है, लिख लिया, कुछ भी लिख सकते हो, एयर फील्ड लिख दो या एयर टाइट कंटेनर। ठीक है, यस सर। आगे लिखो यूजेस, बताओ यूजेस कहाँ होते हैं इसके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, बताओ पता है किसी को, एंटासिड में यूज होता है ये भी, तो लिख लीजिए, इट इज यूज एज एन एस्टिंजेंट एंड एंटासिड, इट इज यूज एज एस्टिंजेंट एंड एंटासिड, लिख लिया सबने, इट इज यूज एज एस्टिंजेंट एंड एंटासिड। ठीक है, ये आपके दो ड्रग हो गए आज। ठीक है, एक आपको करना है खुद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये कल आप मेरे को करके दिखाओगे परसों जब मेरे लेक्चर होगा। ठीक है, मेरे को पर्सनल भेजोगे सभी, ठीक है, जो भी करेगा अटेंडेंस दीजिए अपने। सर नोट्स भेज देना सर, क्यों लिखे नहीं है किसी ने? नहीं लिखे तो।